तो ये टाइम गलत पार्स होगा, ये भी मैं बता दूँ तुम्हें। वो इसलिए गलत पार्स होगा कि ई पोश का जो मिली सेकेंड होता है उसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं ना, ये असल में मिली सेकेंड नहीं है, ये सेकेंड है। अब आई एम नॉट श्योर, अभी देख लेते हैं करके, कि अगर मैं यहाँ पे आके ना टाइम गेट करता हूँ, मैंने कहा कि जी न्यू डेट, और मैंने कहा डॉट गेट टाइम। अरे भाई अब इसमें देखो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 डिजिट हैं। अब कहीं से भी आप मिली सेकंड में टाइम गेट करोगे ना, यानी अगर वो रीसेंट रीसेंट का कोई हिसाब किताब है एक आध हफ्ते आगे पीछे का, तो उसमें 13 डिजिट होने चाहिए। 13 डिजिट है ना ये वाले, गलत तो नहीं गिना मैंने? तो अब इसमें गिन लेते हैं हम कितने डिजिट हैं जो हमारे पास यहाँ पर आते हैं, जो इसमें 10 डिजिट हैं। तो 10 डिजिट का मतलब है कि 3 डिजिट कम है। तो ये असल में सेकंड, इन्होंने डॉक्यूमेंट में मेंशन भी किया हुआ है कि ये टाइम सेकंड में आता है। अब आपने इसको करना है पार्स, तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिली सेकंड बन जाएगा। अब जब ये मिली सेकंड बन जाएगा तो ये मिली सेकंड वाले सारे काम इससे होंगे। तो बजाय इसके कि आप इसको सेकंड के तौर पर पार्स करने की कोशिश करो, इसको आप कन्वर्ट कर लो मिली सेकंड में, 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली सेकंड में कन्वर्ट करो। हाँ नहीं, मतलब एक वैल्यू आ गई ना तुम्हारे पास, वेरिएबल में आ गई वो वैल्यू। अब उस वेरिएबल को तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, वंस वो 1000 से मल्टीप्लाई होकर मिली सेकंड बन जाए, फिर उसको मिली सेकंड के तौर पर ट्रीट, जैसे हमने मूवमेंट जेएस देखा था, हमने जावास्क्रिप्ट का अपना भी एक मतलब पूरा डेट सिस्टम देखा है, तो उसके ज़रिए आप इसको जो है ना जो मर्ज़ी चाहो आप करते रहो। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही लोग हैं जिन्होंने ये सबमिशन करवाई है, तो ज़रा तीनों को एक एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ये ऐप है जी, कराची लिखो यहाँ पे तो ये आ जाता है। ठीक है जी, और ये हमारी सबसे ज़बरदस्त ऐप जो बनाई है, शहरोज़ ने बनाई है। अच्छा जी, एनिमेशन भी होती है इसके अंदर, और ये क्लैपिंग हो जाए भाई इनके लिए ज़रा। अच्छा, वेल डन यार, कीप इट अप। इसमें इन्होंने डार्क मोड भी लगाया हुआ है, और इनको मैंने कुछ मज़ीद सजेशन दिए वो रेन वेन की, वो भी ज़रा ट्राई कीजिएगा फिर, बड़ा ज़बरदस्त है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने सबमिशन अभी नहीं भी करवाई है, उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि भाई ये इसको आपने क्या करना है, इसकी वीडियो बना के अपने अपने सोशल मीडिया पे लाजमी पोस्ट करना है, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं वापस हमारी बुक पे आ जाते हैं, और हम ज़रा देख लेते हैं कि अब हमारे डेट में कुछ रह तो नहीं गया। डेट हमने कवर कर लिया था ना पूरा। अच्छा, अब हमारे पास अगला टॉपिक है फंक्शन। अब फंक्शन भाई क्या चीज़ है, कोई अगर आप में से इस पर ओपिनियन अपना देना चाहे। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी वगैरह से हैं, पढ़े हुए हैं थोड़े बहुत, तो ज़रा कोई खड़ा होकर बंदा बताए कि फंक्शन क्या चीज़ है। अच्छा, ये बुक भी पढ़ के आए हैं आप लोग सब लोग, ठीक है, जैसा कि मैं हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो मैं बात पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोग पढ़ के आए करें। कोई भी है, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, ब्रेन स्ट्रोमिंग है, सही गलत नहीं है, अगर कोई गलत भी बताओगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा? हाँ, कौन बताओ, बताओ खड़े होके बताओ, कौन बता रहा था यहाँ से? अरे इतना क्यों हेजिटेट कर रहे हो भाई, चलो तुम बता दो। दोस्त ने बताया कि कोई भी काम हमें बार बार करना होता है तो हम उसको उसका एक ब्लॉक ऑफ कोड बना देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे रियल लाइफ में मुझे कोई काम करवाना होता है तो मैं बंदा रख लेता हूँ, ठीक है, मोर और लेस इन्होंने सही बात बताई है, लेकिन मज़ीद टेक्निकल डेफिनेशन सुनना चाह रहा हूँ मैं, तो वो नहीं इन्होंने बताई। लेकिन अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहली लाइन में इन्होंने देखो बात लिखी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है कि अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट रोबोटिकली डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अब ये अगेन एंड अगेन तो इसने बात कर दी, मगर ये फॉर लूप में भी यही होता था, तो ये तो देखने में लग रहा है कि शायद फॉर लूप का ही कोई दूसरी एक किस्म है। जैसे हमने फॉर लूप एक पढ़ा था, एक मैप पढ़ा था हमने, तो ये शायद वो तीसरा कोई फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये लूप जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, लूप से ये बहुत मुख्तलिफ है। मैं मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
अच्छा मेरे साथ भाई हेयर ड्रेसर्स के बड़े मसले हैं। हेयर ड्रेसर जो है ना कभी ज़िंदगी में ढंग का नहीं मिला। अच्छा वो उनके हिसाब से सही होता है लेकिन जो मेरी फरमाइश है तो वो उससे हमेशा हेयर ड्रेसर यूँ कह लो कि तंग रहते हैं मुझसे। अच्छा तो जी मैं गया हेयर ड्रेसर के पास। अच्छा एक और भी एक ख़ास बात है, जिस बंदे के पास मैं हेयर ड्रेसिंग करवाता हूँ ना उसकी लॉटरी लग जाती है, वो कहीं ना कहीं बार बार निकल जाता है या कुछ उसकी अच्छी बड़ी जॉब वॉब लग जाती है, वो दुकान ही बंद कर जाता है। ठीक है तो ये भी एक समझ लो गुड लक कह लो या बैड लक कह लो उसको। तो अक्सर क्या होता है कि मेरा हेयर ड्रेसर फ़ोन करता है कि भाई मैं तो गया, अब मैं निकलता हूँ दूसरे हेयर ड्रेसर की तलाश में। अब मैं जाके बैठा जी सीट पे, हाँ जी कैसे बाल काटने हैं। अच्छा तो मैं उसको पूरी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि अच्छा जी सीज़र कटिंग काटनी है लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं करना, अच्छा और साइडों पे मशीन नहीं चलाना, मशीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना सीज़र से, क्योंकि वो सीज़र से जो फिनिशिंग आती है मशीन से नहीं आती। अच्छा फिर मैंने उसको बताना है कि जी यहाँ पे जो कलम है ना इसमें आपने कट नहीं लगाना है, इसको सीधा दाढ़ी से अटैच करना है ना। अच्छा फिर क्या कहते हैं पीछे से उसको स्क्वायर रखना है, समटाइम वो गोल गोल कर देते हैं या समटाइम उसको वो ग्रेडियंट बना देते हैं कि स्किन से बाल तक है ना, तो वो नहीं करना अलग कर देते हैं अक्सर, वो बहुत भंड मारते हैं शुरू में। अच्छा फिर आते हैं जी खत वगैरह, खत कैसे होगी, अच्छा जी ये गर्दन से बिल्कुल अटैच होगी ये है ना, बीच में जो ये पिलर है ये थोड़ा चौड़ा रहेगा, ठीक है अंदर से खाली है ये लेकिन सामने से दिखना चाहिए कि अच्छा जी बिल्कुल स्क्वायर है ये है ना, अरबी थोड़ा अरबी लोग इस तरह रखते हैं ये वाली चीज़। अच्छा और फिर दाढ़ी को 8 नंबर साइज़ पे सेट करना है, मूंछों को भी 8 नंबर साइज़ पे सेट करना है, समझ रहे हो ये एक अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन है जो मैं देता हूँ। अच्छा अब होता क्या है भाई, एक दफ़ा मैंने ये करवा लिया सारा कुछ, अब अगली दफ़ा जब मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार वही वाला काट दो। सही है उसको पता होता है मोस्टली, क्योंकि 15-20 दिन में, क्योंकि इतनी सीन करता हूँ उसे जाके 15-20 दिन में भूलता तो नहीं है वो मुझे। तो सम टाइम उसको रिवाइज करना पड़ता है, सम टाइम क्या मोस्टली वो पूछता है कि हाँ भाई ये मतलब थोड़ा मोहतात हो जाता है कि भाई ये मुझे सुना ना दे। अच्छा अब वो मैं जब भी जाके बैठता हूँ हेयर ड्रेसर के पास तो मुझे वो पूरा डिस्क्रिप्शन उसको मोस्टली दोबारा बताना पड़ता है या हेयर ड्रेसर चेंज हो जाता है। प्रोग्रामिंग में भी मुझे सम टाइम ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है कि जी एक कोड लिखा हुआ है एक दफ़ा, मिसाल के तौर पे मुझे एवरेज निकालने के लिए एक कोड लिखा मैंने। अब जी एवरेज निकालने का काम प्रोग्रामिंग में मेरे प्रोग्राम में एक जगह तो नहीं होगा, हो सकता है कहीं और भी ज़रूरत पड़े मुझे एवरेज निकालने की। अब वो एक एवरेज तो वैसे बहुत सिंपल है लेकिन इमेजिन करो कि कोई लंबा चौड़ा सा था, वो कोई फार्मूला था कि जी उसको 2 नंबर दो तो वो कुछ उसको कैलकुलेट मार के कुछ रिजल्ट देता है, सही है समथिंग लाइक। तो मैं एवरेज जस्ट एग्जांपल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब एक एवरेज वाली बात है, वो पूरी बात मैंने बता दी एक जगह पे जी एवरेज निकल गई। अब किसी दूसरे पेज पे मैं गया, अब वहाँ पे भी मुझे सेम काम करना है तो वहाँ पे भी मैं पूरा मैं एवरेज लिखूँगा ऑब्वियसली। अच्छा लेकिन अब हेयर ड्रेसर वाले केस में इसका कोई हल नहीं है, लेकिन एक हल हो सकता है शायद कि अगर ना मैं एक पर्चा तैयार करूँ और मैं एक नाम रखूँ उस कट का कि जी मलिक हेयर कट, एक नाम रखूँ उसका और उसमें मैं पॉइंट वाइज ना ही सारी बातें लिखूँ, सारी मेजरमेंट्स। वैसे अगर आप वो देखें ना जो डिज़ाइनर वो बनाते हैं पूरा, जो डिज़ाइनर कट जो होते हैं वो पूरा लिखा हुआ होता है उसमें, वो चार पूरा जर्नल होता है वो बाई दे, जैसे लोगो बना के देते हैं ना पूरा जर्नल होता है, हाँ पूरा कैटलॉग होता है कि क्या चीज़ कितने मेजरमेंट पे होगी क्या होगी फेस शेप के हिसाब से और वो डिपेंडिंग ऑन, वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है वो। तो अगर मैं उस तरह का एक कैटलॉग या बनाऊँ या एक पर्चा तैयार करूँ जिसमें पूरी गाइडलाइन लिखी हुई यही वाली जो मैं मुँह से बोलता हूँ और मैं उसका नाम रखूँ मलिक हेयर कट, अच्छा और वो मैं सारे अगर मैं बांट यानी अपने हेयर ड्रेसर की दुकान में चिपका दूँ जाके तो मुझे फिर उसको जाके बोलना पड़ेगा जी मलिक हेयर कट काटो, पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं बतानी पड़ेगी। तो अब फंक्शन का ना यही केस है। अब फंक्शन में क्या होता है कि मैं बजाय वो एवरेज का पूरा कोड हाथ से लिखने के क्या करता हूँ, उतने कोड को एक ब्लॉक में पैक कर देता हूँ और उस ब्लॉक का मैं एक नाम रख देता हूँ। अच्छा अब ये जो अगेन एंड अगेन इसने लिखा है ना, वो अगेन खुद से थोड़ी करेगा, वो जहाँ पे भी मुझे एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका नाम उठाऊँगा वहाँ पे और इसको इस्तेमाल करूँगा, पूरा कोड नहीं लिखूँगा दोबारा, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा जी तो हम जल्दी से क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं हेलो वर्ल्ड और बना के देखते हैं कि जी क्या होता है। अच्छा जी 24
ES6 फंक्शन। अच्छा ES6 मैंने इसलिए लिखा है कि फंक्शन में ES6 में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। अच्छा जी, तो फंक्शन का जो बेसिक जो सिंटैक्स है कि जी फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, उसमें सबसे पहले होगा फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद उस फंक्शन का एक नाम। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सम, सही है, मैंने एक नाम रखा। अच्छा, इसमें आप नोट करें कि वो लेट वगैरह नहीं आ रहा है इसमें, ये नॉर्मल एक वेरिएबल से थोड़ा सा डिफरेंट है। और ऐसे ब्रैकेट ओपन क्लोज और ऐसे ही है, ठीक है जी। अच्छा, और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक लूँगा जी num1, num2, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है, या पैरामीटर कह लो। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में एक माइनर सा फ़र्क होता है, लेकिन इसको आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अभी वो उस टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट वैसे अंग्रेज़ी में किस चीज़ को कहते हैं कि जी आर्ग्यूमेंट, एक टेबल पे एक आर्ग्यूमेंट रखा मैंने, मिसाल के तौर पे कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जी यहाँ के प्रोजेक्टर क्यों नहीं चलते सही है ना। तो मैं कभी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई अगर, तो मैंने एक आर्ग्यूमेंट टेबल पे रखा कि जी आपके प्रोजेक्टर तो कभी भी काम सही नहीं करते, ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। अब वो सामने से कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट वैसे बहस को कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंग्रेज़ी में आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस नहीं होता। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आई है, जैसे लास्ट हमने जिक्र किया प्रॉब्लम, कि जी अभी जी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व। अब प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई परेशानी आ गई है, इट डजंट मीन परेशानी। प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छा जी मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मुझे फ़ौरन पता चले कि मैं अभी कौन से गियर में हूँ, अब ये मुझे नहीं पता चलता मिसाल के तौर पर, तो ये प्रॉब्लम है। अब उसके लिए क्या करते हैं, वो छोटा सा एक मीटर लगा देते हैं, 1, 2, 3 लिखा हुआ रहा होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। तो प्रॉब्लम इज़ समथिंग के भाई कोई रिक्वायरमेंट आ गई, वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माया, तो वो ज़रूरत इज़ अ प्रॉब्लम। तो अंग्रेज़ी में मतलब हम, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी एक सेकंड लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, तो वो एक फील हम शायद नहीं ले पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट भी वही है कि जी अब एक आर्ग्यूमेंट आया, अब उसका सामने से कुछ और जवाब आएगा, उसी टेबल पर कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट आएगा उसका कुछ और जवाब आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर प्रोजेक्टर वाले मसले में वो कहेंगे कि जी आपका वो आप केबल से कनेक्ट कर लिया करें, अगर वो वायरलेस सही नहीं चलता तो एक ही हो गया। अच्छा, मैं कहूँगा जी आपका जो वो पानी है वो ठंडा नहीं होता, मिसाल के तौर पे, तो वो कहेंगे जी कि आप एक काम करें, वो जब भी पानी आपको ठंडा ना हो तो आप बता दिया करें काउंटर पे, वो कूलर ऑन कर देंगे, ठीक है। तो देखो आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा है तो जवाब भी चेंज, तो ये आर्ग्यूमेंट है। हाँ नहीं भैया, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, जब भी मैंने ये एज अ प्रॉब्लम पढ़ा रहा है, अच्छा जी ये एक चीज़ आई है इसको अब क्या करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे अब एक मोची है चप्पल सीने बैठा हुआ है वो, अब उसके बाद तरह तरह की चप्पल आएंगे, एक चप्पल आएगा उसको यूँ देखेगा, बोलेगा भाई इसको चारों साइड से सिलाई लगानी होगी, दैट वाज एन आर्ग्यूमेंट, जो चप्पल उसके पास आया ना, और वो उसका सॉल्यूशन उसको करके दे रहा है, जो भी उसके एल्गोरिथम फिट है उसके दिमाग में, उसको यूज़ करते हुए वो उसको देखता है, अच्छा जी ये होगा इसका। फिर कोई चप्पल आती है वो कहता है जी इसमें तो कील लगेगी, कील चारों साइड पर लगेगी इसके, कोई आएगा वो बोलेगा भाई इसमें एल्फी लगेगी, है ना, आजकल बड़े जदीद हो गए ये एल्फी सब लगा रहे हैं। तो बाय द वे मोची से एक बात याद आ गई, अभी भाई मोची को जो है ना घर पे हमारे आया मोची, भाई चप्पल सिलाई वाला जो घूमते हैं ना गली में, अब वो बेचारा पठान इतना सादा था, वो उसको दिया चप्पल कि भाई इसको चारों साइड से सिलाई लगा दो। उसने कहा भाई ठीक है भाई, 50 रुपये पता नहीं कितने लूँगा मैं, चारों साइड से सिलाई लगा दी। अब वो सिलाई लगा के वो चला गया, चप्पल जब उठाया तो लगाना अंदर भूल ही गया था, लगा के सिलाई करते हैं ना, उसने वैसे ही सिलाई मार दिया था, अब वो बाहर ही था, अब उसको बुलाया दोबारा, भाई ये क्या किया, उसको समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की है, इतना सादा था बेचारा वो, उसको समझ नहीं आया कि मैंने ये लगा के करना था, उसने एक और सिलाई मार दी बगैर लगाए और चला गया। अच्छा, सेकंड टाइम मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा अब तो बता दिया, अब तो सही किया होगा, उठा के देखा वही तो एल्गोरिथम जो है ना फिक्स होता है। तो वेल, ये एक आर्ग्यूमेंट है भाई num1 और एक num2। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने कहा जी अच्छा जी लेट टोटल इक्वल्स टू num1 प्लस num2,
सही है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों, ये मुझे इस बॉडी में यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉडी में ना मुझे ये दोनों मिलता रहेगा, एज अ वेरिएबल मिलेगा, ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, और ये इन दोनों को मैंने प्लस किया, मिसाल इमेजिन करो कि जी यहाँ पे हमारे पास जो है ना, इस बंदे ने 2 दिया और सेकंड आर्ग्यूमेंट में बंदे ने क्या दिया, 5 दे दिया, तो यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, दैट्स इट। 2 और 5 प्लस किया वो 7, टोटल के अंदर 7 चला गया, ठीक है, टोटल में 7 चला गया। रिटर्न टोटल, ये ख़त्म हो गया मेरा फंक्शन यहाँ पे। लाइन टर्मिनेटर हर लाइन के आखिर में लगाना होता है, लगाना चाहो तो लगाओ, ऑप्शनल है वैसे ही। ये रिटर्न जो हम इतने अरसे से देखते हुए आ रहे थे ना कि अच्छी चीज़, रिटर्न क्या होता है कि जो खुद गायब हो जाता है उसकी जगह कोई वैल्यू आ जाती है, ये वो रिटर्न आज आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। अच्छा, ये मेरा फंक्शन कम्प्लीट हो गया। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम मेरी मर्ज़ी का होगा, मैंने सम रखा है, कुछ भी रख सकता हूँ। उसके बाद गोल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे गोल ब्रैकेट क्लोज, उसके दरमियान में इस फंक्शन के पैरामीटर्स, कि ये फंक्शन क्या क्या पैरामीटर, ये इनपुट लेता है, ये पैरामीटर जो है ना, ये असल में इनपुट होता है फंक्शन में। अच्छा, उसके बाद ये बॉडी है फंक्शन की, बॉडी के अंदर आप कितने भी लाइन का कोड लिखो, लास्ट में आपको रिटर्न लगाना है, ठीक है, बॉडी में आप कितने भी लाइन का कोड लिखो, लास्ट में आपको रिटर्न लगाना है और रिटर्न को एक अदद वैल्यू देनी है। अच्छा, इतना कोड लिखने पे मेरा फंक्शन लिखा जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस कोड को जब मैं रन करूँगा तो ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है, ये कोड रन नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए रन नहीं होगा कि फंक्शन जब हम बनाते हैं ना, तो फंक्शन क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है, एक प्लान होता है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी वो, सही है, ये प्लान है कि अच्छा जी ऐसा होगा, कब होगा वो अभी हम देखेंगे कि कब होगा। जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, मैं कहूँगा सम और कॉल सिग्नेचर लगाऊँगा, ये जो है ना, इसको कॉल सिग्नेचर कहते हैं, जो गोल ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, कॉल सिग्नेचर लगाऊँगा मैं और साथ में क्या दूंगा इसको, मे बी के 4.1, ठीक है। इस फंक्शन के 2 पैरामीटर्स हैं तो मुझे 2 ही देने पड़ेंगे इसको। अच्छा, आप 2 नहीं देंगे तो क्या होगा, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, तो फिलहाल अभी 2 पैरामीटर थे तो मैं 2 पैरामीटर उसको दूंगा। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये इतना पार्ट जो है ना, ये खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे इसकी रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या बनती है, 2 वैल्यू को, दोनों पैरामीटर को प्लस करता है सिंपल। अब 4.1 मिलेगा तो 5 देगा, 3.3 मिलेगा तो 6 दे देगा, है ना, 7.2 मिलेगा तो 9 दे देगा, तो डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे जब रिटर्न होगा तो ये वैल्यू हवा में गायब हो जाएगी। अगर मुझे इस वैल्यू को पकड़ना है तो मुझे कोई वेरिएबल बना के ना यहाँ पे इसको पकड़ना होगा, या तो डायरेक्ट मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लगा दूँ, है ना, डायरेक्ट कॉन्सोल डॉट लॉग लगा दिया मैंने और इसके बीच में ये लिख दिया मैंने, तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो भी वैल्यू इतने पार्ट से रिटर्न होगी ऑटोमेटिकली वो कंसोल हो जाएगी, है ना। रिटर्न तो आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि जी रिटर्न होने का क्या मतलब होता है, उसको ज़्यादा डिटेल में शायद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम उसकी डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर में जाते हैं। अच्छा जी, तो ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, अभी हम इसको चला के देखते हैं फिर हम आगे की डिटेल समझेंगे, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, ये फंक्शन मैंने इसको क्या किया है, इसको मैंने हाथ से चलाया है, मैनुअली चलाया है, इसको बटन के क्लिक पे भी चलाया जा सकता है, ठीक है। आपने देखा था कि वो गेट वेदर जो हमने अभी लास्ट बनाया उसमें वो बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन था, और इस फंक्शन का नाम मैं लिखता था बटन के ऊपर, किसी ऑन क्लिक पे इसको चला दो, यहाँ पे मैंने हाथ से उसको चला दिया, अभी हम देखते हैं इसको और किस किस तरीके से चलाया जा सकता है। तो फिलहाल इसको इतने कोड को चला के देखते हैं। कॉन्सोल पे गया मैं, अब यहाँ कॉन्सोल पे 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, 5 इस वजह से प्रिंट हुआ कि पैरामीटर 4.1 था। अब मुझे अपनी ही ऐप के अंदर एक और जगह पे 2 वैल्यू को प्लस करने की ज़रूरत पड़ गई, मैंने कहा 3.2, अब क्या आना चाहिए, अभी भी 5 आना चाहिए, चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 3.8 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, ये 3 और 8 11 आएगा, अभी रिफ्रेश किया मैंने तो, अच्छा वो पुराना वाला भी आ गया साथ में, ठीक है, 5 और 11 दोनों लाइन है, दो, एक लाइन नंबर 25 एक लाइन नंबर 26, एक जगह 5 एक जगह 11। अब ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसको मैं जितनी जगह पे चाहूँ कॉल कर सकता हूँ, और इसका जो पीछे ये फिक्स है ना, ये वाला काम,
यही काम करेगा ये ऑर्डर, ठीक है। अब ये बताओ कि इतना पार्ट सब लोगों को समझ आया या इसमें कोई क्वेश्चन है? चेहरों से लग नहीं रहा कि तुमने वो समझ आया। हाँ, यहाँ पे ये रिटर्न के आगे ना मैं लिटरल भी रिटर्न कर सकता हूँ, नंबर लिटरल या स्ट्रिंग लिटरल, या मैं एक वेरिएबल भी रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो भी रिटर्न के आगे लिखूँगा वो रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूँगा तो अनडिफाइंड रिटर्न होगा बाई डिफ़ॉल्ट, जैसा कि हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट में जब कुछ चीज़ रिटर्न नहीं होती तो अनडिफाइंड होता है। तो ये रिटर्न अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना तो ये फंक्शन स्टिल रिटर्न करेगा लेकिन अनडिफाइन करेगा। हाँ, रिटर्न करके यहाँ कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फिक्स लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने कार लिख दिया, अब क्या होगा कि पैरामीटर जो मर्जी देता रहूँ वो रिटर्न हमेशा कार होगा, बट दिस इज़ नॉट द केस, है ना। तो हमेशा क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, डिपेंडिंग ऑन इनपुट होता है, डिपेंडिंग ऑन इनपुट। अच्छा, तो अब हम लोग सब मिलके क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं क्या नाम रखें, एवरेज। सही, एवरेज की जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, फंक्शन AVG। अब एवरेज के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, कितने नंबर चाहिए होते हैं एवरेज के लिए? दो नंबर थोड़ी चाहिए होता है, मिनिमम दो चाहिए होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10, 12, 15 भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, तो इसमें मैं इनपुट फिर क्या लूँगा, एरे लूँगा इनपुट ऑब्वियसली, है ना। ARR ले लिया मैंने इसमें। अब ये एक पैरामीटर है, ठीक है। अभी कुछ मिला नहीं है, अभी तो ये प्लान हो रहा है। अच्छा, अब ARR जो है, अब जाहिर है एवरेज निकालने का क्या तरीका है कि जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उन सबको सम करो फिर उसको डिवाइड कर दो। अच्छा, तो पहला काम सम है। अब ARR के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम कैसे करेंगे हम? डॉट लेंथ। हाँ भाई, हम कैसे सम करेंगे उसको? लूप चला के हर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा हमें, और हर इंडेक्स की वैल्यू को उठा उठा के मैं किसी वेरिएबल में सम करता रहूँगा। आखिर में जब वो लूप चल के ख़त्म होगा तो सम हो जाएगा, है ना। इसमें तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है, चलो करते हैं ये। मैंने कहा लेट सम इक्वल ज़ीरो, पहले मैंने एक वेरिएबल बना ली जिसमें ज़ीरो है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। और फॉर लूप चला के मैं लेट आई और मैं कहूँगा कि भाई ARR डॉट लेंथ तक इसको चला दो, सही है। और आई प्लस प्लस कर दिया मैंने, ऐसे ही चलता है ना फॉर लूप। अच्छा, और अंदर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई क्या करो, सम इक्वल्स टू सम प्लस और ARR का इंडेक्स आई, यही होगा ना। इसी से मुझे मिलता है ना, हर इंडेक्स का जो एलिमेंट है मुझे इसी से मिलता है। तो जब पहली दफ़ा ये चलेगा तो इसमें ज़ीरो होगा तो ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएगा। सम पहली दफ़ा में सम भी ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस, और पहला जो भी एलिमेंट होगा प्लस होकर दोबारा सम में चला जाएगा। अच्छा, तो ये लूप चल के जब ख़त्म होगा, अल्टीमेटली ये लूप जब चल के ख़त्म होगा तो सम में क्या होगा, तमाम एरे के एलिमेंट्स का सम होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है मुझे, डिवाइड करना है मुझे किससे, एरे की लेंथ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एरे की लेंथ मुझे पहले ही पता है कि ARR डॉट लेंथ करूँगा तो एरे की लेंथ मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू सम डिवाइड बाई और ARR डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जाहिर है ये आंसर मुझे देगा किसमें, पॉइंट्स में देगा आंसर ये मुझे। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि जी अच्छा ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए या इसके पॉइंट्स को मैं फिक्स करना चाहता हूँ तो वो मैं करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं रिटर्न करवा दूँगा इसको, ठीक है। तो फौरी तौर पे मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करता और बस इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न रिजल्ट। तो अब जी ये मैंने एक फंक्शन तैयार कर लिया, इसको मैं एक एरे दूंगा
और उस एरे को क्या करेगा ये, उसका एवरेज निकाल के मुझे दे देगा। सही है, ये फंक्शन अभी आप लोगों के साथ मिलके बनाया है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी का इस फंक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो। अच्छा ये बीच का जो आइटम है ना, ये इट डजेंट मैटर कि इसमें क्या, इसमें कुछ आपकी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मूला होगा, इसमें एक अल्गोरिथम होगा। अच्छा कोई कोई बता सकता है कि अल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन बाय अल्गोरिथम? हाँ जी भाइयों, मैथ मैथ वालों, मैथ वाले बच्चों, व्हाट डज इट मीन बाय एन अल्गोरिथम? मतलब लफ्ज़ अल्गोरिथम का क्या मतलब है, क्या समझते हो? सब लोगों ने 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा, पता नहीं किस में मैथ होती है, 9 में होती है, मैट्रिक में किसी में तो होती है, बहरहाल 8 में भी पढ़ते हैं शायद ये। ज़ोर से बोलो, आवाज़ नहीं आई। स्टेप बाय स्टेप करते हैं वो, अल्गोरिथम कहते हैं नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, मतलब थोड़ा एलेबोरेट करो मज़ीद। 4 स्टेप, हाँ, पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना, प्रॉब्लम फाइंड करना। अच्छा नहीं ये नहीं, ये शायद अब मुझे नहीं पता, हो सकता ये भी डेफिनेशन है, मुझे सादा वाली पता है। किसी भी काम को करने का सीक्वेंस आप कह रहे हैं कि वो अल्गोरिथम है? नहीं नहीं, मतलब मोर और लेस दोनों ने बात सही बताई है, लेकिन एक चीज़ सुनना चाह रहा हूँ मैं जो आप में से किसी ने अभी तक नहीं बोली। अच्छा चलो मैं जो मेरी नॉलेज है मैं वो शेयर करता हूँ। अच्छा आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है, ठीक है, मैं तो ये डबल चेक कर लेना क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैथ वैथ का मुझे कुछ भी नहीं पता। वेल, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि जब कोई मैथमेटिशियन, जैसे अब देखो एवरेज निकालने का फार्मूला है, अब ये तो फार्मूला, तो इसको जब बोलेंगे ना कि अच्छा जी एवरेज निकालने, तो जब इसको पता चल जाएगा खुद, ये जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे दोस्त ने कहा ना स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ करते हैं, अब ये स्टेप बाय स्टेप ना, अच्छा जी एक नंबर आएगा उसके साथ पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, अब जब ये वो बन रहे होते हैं ना ये स्टेप, तो मैथमेटिशियन को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, वो तो बाद में उसको अच्छा सा नाम सोच समझ के देते हैं ना, तो वो मैथमेटिशियन जब ये कर रहा होता है ना, तो उसको उसको नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। तो किसी भी किस्म की जो रेसिपी होती है ना, मैथ इज़ ऑल अबाउट रेसिपीज, मैथ के अंदर जितनी भी रेसिपीज़ है ना, वो असल में अल्गोरिथम कहते हैं उसको। अच्छा हर अल्गोरिथम का कोई नाम होता है, ये जो मैंने आपके सामने अल्गोरिथम लिखा है, ये अल्गोरिथम एक एरे का एवरेज फाइंड करने का अल्गोरिथम है। सही है, ये तो नाम इसको पड़ गया ना, तो अब हम बोलते हैं अच्छा ये एवरेज निकल रहा है, अदरवाइज ये अल्गोरिथम है। जैसे बिरयानी बनाने के स्टेप्स होते हैं ना, जैसे एक चावल आएगा उस पर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो मैथ के अंदर ये सारी रेसिपीज़ हैं कि जी एवरेज निकाल रहे हैं, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, अच्छा जी वो दो नंबर आ गया तो उसका वो लीनियर इक्वेजन उसको कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये सारे अल्गोरिथम्स हैं एक्चुअली, और हर अल्गोरिथम का कोई नाम है। अब क्योंकि सबका नाम अल्गोरिथम होता तो पता नहीं चलता ना यार, तो इसलिए यूनिक नाम देना ज़रूरी है। बट जब तक साइंटिस्ट को ख़ुद नहीं पता होता ना कि वो क्या कर रहा है, तो जब तक उसको अल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा कंप्यूटर साइंस के अंदर ना अल्गोरिथम का बड़ा रेल पेल लगी रहती है ना, दिन रात अल्गोरिथम के अंदर मुंह देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे सर्च अल्गोरिथम के जी, या जैसे कहते हैं ना यूट्यूब का अल्गोरिथम है कि जी कौन सी वीडियो को ऊपर लाना है, कौन सी को नीचे लेके जाना है, तो उसकी एक रेसिपी है समाउ, उसकी एक रेसिपी। जैसे भी ट्विटर ने अपना जो अल्गोरिथम है पूरा वो पब्लिक कर दिया, तो उस अल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है कि जी अच्छा किसी ने पोस्ट को शेयर किया है ट्विटर पे, या ट्वीट शेयर किया है ट्विटर पे, तो वो किसी ने लाइक कर दिया तो वो 20 टाइम्स बूस्ट हो जाता है, और अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो 30 टाइम्स बूस्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब पहली दफ़ा पोस्ट करेगा कोई, तो वो रैंडमली 10 लोगों को मिसाल के तौर पे चूज़ करता है, उनको वो पोस्ट दिखाता है, अगर किसी ने लाइक कर दिया तो वो 20 और लोगों को दिखाएगा, अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो 30 और लोगों को दिखाएगा, उसी सेटिंग से, यानी पहले फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड और फिर उस टॉपिक में इंटरेस्टेड लोग, इस तरह से। अब मिसाल के तौर पे अगर 10 लोगों को उसने पोस्ट दिखाई और 10 के 10 ने कोई रिएक्शन नहीं किया, ना कमेंट किया ना लाइक किया,
तो वो पोस्ट फिर 10 लोगों के बाद 11वें को किसी को नज़र नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी वो। अगर 10 के 10 लोगों ने अगर लाइक कर दिया तो वो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 20, तो वो 200 लोगों को मज़ीद दिखाएगा वो, ठीक है। या अगर आधे लोगों ने कमेंट कर दिया, आधे लोगों ने लाइक कर दिया, तो अच्छा फिर अब वो जो 200 लोगों को दिखाएगा उन पे भी डिपेंड करता है कि अच्छा उन 200 लोगों में से अगर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया तो भी ठंडी हो जाएगी पोस्ट। तो ये समहाउ एक रेसिपी है ना, तो दिस रेसिपी इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आप जब ये लिख रहे होते हैं तो आपको थोड़ी पता होता है आप क्या कर रहे होते हैं। अच्छा उसको बाद में फिर नाम दे दिया कि अच्छा जी ये न्यूज़ फीड एल्गोरिथम है, ट्विटर फीड एल्गोरिथम इसको बोल रहे हैं अभी, कि जी ट्विटर में जो फीड आ रही होती है आपके पास। अच्छा फिर इसी तरह एक नोटिफिकेशन का एल्गोरिथम है। अब नोटिफिकेशन का एल्गोरिथम आपको लग रहा होगा यार इसमें तो कोई मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें लेकिन जहन में रखनी होती हैं। जैसे YouTube का जो नोटिफिकेशन का एल्गोरिथम है वो किसी एक चैनल से आपको 3 नोटिफिकेशन देगा मैक्सिमम, चौथा नोटिफिकेशन वो नहीं देगा, ठीक है। उनके अपने मसले मसाइल हैं कि अच्छा जी किसी ने 200 चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जी अगर 3-3 नोटिफिकेशन 200 चैनल से आएगी तो उसका मतलब है कि 200 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 600 नोटिफिकेशन पकड़ेगा वो एक दिन में, तो इन्होंने लिमिट की हुई है जी 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से फिर नोटिफिकेशन कब और किस टाइम और कैसे देना है उसका अपना एक इनका एल्गोरिथम है। तो ये एल्गोरिथम काफ़ी सारा है, जैसे गूगल का एल्गोरिथम है कि जी कौन सी साइट को टॉप पे लाना है, कौन सी को सेकंड थर्ड पे। एक तो पैसे लेता है वो सबसे टॉप पे, वो जो 3 ऐड शुरू के आते हैं उस पर ए डी लिखा हुआ होता है वो तो पेड होता है, वो तो उसमें तो एल्गोरिथम का कोई काम ही नहीं है। उसके बाद जो फर्स्ट होता है यानी जेनेरिक जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा होता है तो वो उनका एक एल्गोरिथम है कि जी क्रॉलर क्रॉल करके सारा डेटा तो ले आता है, उसको इंडेक्स भी करके रख देता है। अब उस इंडेक्स में से कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट है आपके सर्च कीवर्ड पे उसको वो टॉप पे लाना उसका काम है। अब उसका एक सीक्रेट रेसिपी है वो शेयर नहीं करते। ये जो SEO के सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ये SEO के नाम से जो एजेंसीज़ खुली हुई हैं जो लोग SEO करके देते हैं वेबसाइट की, तो वो समहाउ उनको वो तुक्के लगाते हैं, लग जाता है ऊपर आ जाती है। वो गाइडलाइन दी हुई है गूगल ने कि अच्छा जी ऐसे ऐसे करो आप, प्रॉपर तरीका ये है, लेकिन उनको कुछ हिडन सीक्रेट्स पता हैं। जैसे ट्विटर का ये वाला हिडन सीक्रेट किसको पता था कि जी कमेंट करने से ज़्यादा बूस्ट होता है वो बजाय लाइक करने के, ठीक है। तो अगर किसी को ये पता होगा तो वो कमेंट करवाएगा, जो लोग मतलब आर्टिफिशियली बूस्ट करते हैं वो कमेंट करेगा, लाइक नहीं करेगा वो। फेसबुक में भी है ऑब्वियसली कुछ इस तरह का, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होंगे, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ मोर और लेस वो यही काम कर रहे होंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो OLX वगैरह है या इस तरह की जो वेबसाइट है दराज है, अब जैसे OLX में गन्स वगैरह सेल करने पे बैन है तो आप गन सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जब कोई फ़ोटो डालते हैं आप, तो उन्होंने वो एक बहुत ही सिंपल सा एक API लगाई हुई है इमेज रिकग्निशन वाली कि जी अच्छा इसमें कोई वेपन वगैरह तो नहीं है, वो उसको अलाउ नहीं करते ऐड को, आप पोस्ट करेंगे अलाउ ही नहीं करेगा वो। तो पोस्ट जब शेयर होती है तो वो भी एक प्रोसेस से गुजर के शेयर होती है, तो वो भी एक एल्गोरिथम है। तो ये एल्गोरिथम की बहुत सारी मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। तो फंक्शन के दरमियान का जो कोड है ना, ये इट वुड बी एन एल्गोरिथम। अच्छा अब ज़रा इस एवरेज वाले फंक्शन को हम चला के भी देख लेते हैं, इन दोनों को मैं रोक देता हूँ। AVG लिखा मैंने और AVG का फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे। इसमें एक एरे दे, बल्कि ये मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग हटा देता हूँ इसको, टू कीप इट सिंपल, कहीं कोई स्ट्रिंग आपको कंफ्यूज ना कर देना। अच्छा इसमें सम को मैं क्या देता था, 2 नंबर देता था क्योंकि 2 पैरामीटर थे। इस एवरेज के अंदर एक ही पैरामीटर है तो इसको मैं क्या दूंगा, एक पैरामीटर दूंगा। अच्छा वो एक पैरामीटर क्या होगा, एक एवरेज होगा, वो एक एरे होगा, एरे ऑफ नंबर्स होगा, सही है। तो ये मैंने इसको दिया है एक अदद पैरामीटर, ये मैंने इसको दे दिया एरे लिटरल। एरे का कोई वेरिएबल भी हो सकता था इसमें, इट डजंट मैटर, ठीक है। इसको बस वो एरे यहाँ पे मिलना चाहिए, चाहे वेरिएबल की सूरत में मिल जाए चाहे लिटरल की सूरत में मिल जाए। अब ये जो एरे है ना, इसका एवरेज क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, 2, 4 और 5 के दरमियान के नंबर हैं। तो 2, 4 और 5 के दरमियान का कौन सा नंबर आता है, 3 point something शायद आना चाहिए। तो देखते हैं जी कि हमारा ये एल्गोरिथम क्या निकाल के लाता है।
हमारा एल्गोरिथम निकाल के लाया 3.2 पॉइंट बहुत सारे दूसरे डिजिट्स, सही है। तो जी ये हमारे एल्गोरिथम ने रिजल्ट दिए। अब हमारे एल्गोरिथम में मुझे ये भी करना है कि उसको फिक्स करना है दो डेसिमल पॉइंट पर, तो मैं ज़रा जाता हूँ अपने एल्गोरिथम को मज़ीद इम्प्रूव करते हुए। मैं कहता हूँ कि जी रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट डॉट टू फिक्स्ड, राइट, और टू फिक्स मैंने कह दिया कि जी टू पे हो जाओ आप। अब देखते हैं ये सेम एल्गोरिथम मेरा क्या हो गया, 3.29 दे रहा है, बट अब ये किस फॉर्म में दे रहा है, अभी ये स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा है, अभी इसको स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा कि जी रिज़ल्ट को जो है ना नंबर में कन्वर्ट करो। देख रहे हो, इस रिज़ल्ट को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, रिफ्रेश किया तो अब ये 3.29 न्यूमेरिक वैल्यू में दे रहा है, सही है। तो मैं चाहूँ तो 3 पे 4 पे भी इसको फिक्स कर सकता हूँ। तो ये मेरा एल्गोरिथम जो है वो प्रॉपर हो गया है जी, कि दो डेसिमल पॉइंट के साथ ये मुझे एवरेज निकाल के दे देता है। या मे बी मैं इसको ये भी कर सकता था कि पूरा ही इंटीजर बना दूँ, फिक्स वगैरह का चक्कर ख़त्म करूँ, उसके लिए मैं पार्स इंट कर देता, ये दो दो लाइन लिखने की बजाय एक ही लाइन लिखता है कि जी पार्स इंट, और वो हो जाता उससे अच्छा जी। तो ये हमने फंक्शन का जो है ना बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। HTML से कोई चीज़ गेट करना हुआ मैं समझा नहीं। हाँ ऐसा ही है। देखो असल में वो बात पता है क्या थी, वो बात ये थी कि फंक्शन यहाँ बना हुआ था और वो फंक्शन कॉल होता था बटन के क्लिक पे। तो अभी बटन के क्लिक पे कॉल करवाना इज़ नॉट द थिंग अभी है यहाँ पे ना, बटन के क्लिक पे फंक्शन को कॉल करवाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, समझ रहे हो। अभी मैंने ये किया है कि फंक्शन को मैंने यहीं पे कॉल किया है जहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है, और मैंने यहीं पे इसको कॉल किया है मैन्युअली। अब इसको मैन्युअली भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। अच्छा देखो, ये अभी फंक्शन चलेगा तो होगा क्या, इसको भी गौर से समझो। ये ए वी जी जब लिखा हुआ आएगा ना यहाँ पर, तो इस ए वी जी के नाम से ये तलाश करेगा, इसको वेरिएबल मिल जाए तो वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करे, फंक्शन मिल जाए तो इसको मिलेगा फंक्शन। अच्छा फिर ये जो इस ये गोल ब्रैकेट ओपन और क्लोज है ना, इसके दरमियान में इस फंक्शन कॉल का पहला आर्ग्यूमेंट इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा जी मुझे मिल गया। अभी इसको क्या करेगा, यहाँ से लेके उठेगा और यहाँ से लेके उठेगा ना, और इस फंक्शन को जाके अब ये रन करेगा। जितनी बार मैं कॉल सिग्नेचर लगाऊंगा उतनी बार ये फंक्शन रन होगा, अगर मैं कॉल नहीं करूंगा ना तो ये रन ही नहीं होगा, कभी भी रन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा और यहाँ लाके इसको यहाँ पे यूं फेंकेगा, अब ये फंक्शन चलना शुरू होगा, ठीक है। मतलब अब ये ARR के अंदर मुझे बकायदा क्या मिल रहा होगा, ये पूरा का पूरा एरे यहाँ पे मिलेगा और अब ये फंक्शन रन होगा। अच्छा इसको प्रूव करने के लिए हम ज़रा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं हम कि जी यहाँ पे ना फंक्शन शुरू होते ही मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग लगाया और मैं बोलूँगा कि जी AVG फंक्शन इज रनिंग, ठीक है। अच्छा अगर तो ये फंक्शन का, जैसे कि मैंने ये बोला ना कि ये फंक्शन का कोड नहीं चलता शुरू में, जब तक मैं कॉल सिग्नेचर नहीं लगाऊंगा, इसको मैं कॉल नहीं करूंगा या बटन के क्लिक पे ये कॉल नहीं होगा, ये फंक्शन चलेगा नहीं। ये जस्ट एक प्लान है, ये जस्ट एक ब्लूप्रिंट है जो अभी रेडी हो रहा है कि अच्छा जी ये किया जाएगा, अभी किया नहीं है। अच्छा मैं जो नीचे इसको कॉल करता था ना, इसको मैं रोक देता हूँ, ठीक है। तो इतना कोड ये जावास्क्रिप्ट जब देखेगा ना, तो इतने कोड को ये जस्ट याद कर लेगा, चलाएगा नहीं उसको ये। अच्छा वापस आते हैं, क्लियर किया मैंने, रिफ्रेश किया तो देखो वो कॉन्सोल आ जाना चाहिए था अगर चलता, तो वो कॉन्सोल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कोड अभी रन नहीं हुआ है। अच्छा ये कोड रन कब होगा, ये कोड रन होगा जब मैं इसको कॉल करूँगा इस फंक्शन को। अच्छा अब ये अब वो आना शुरू हो जाएगा, अब ये आना शुरू हो गया, कैन नॉट रिन डिफाइन लेंथ, लेंथ क्या हो गया। अच्छा ये मैंने उड़ा दिया ना इसका यहाँ से, चलो एक नया एरे दे देते हैं इसको, एक नया एरे दे देते हैं इसको। सही है, एक नया एरे दे दिया वो, ठीक है। एवरेज फंक्शन इज रनिंग अब आ रहे हैं आप। अच्छा
अब एवरेज फंक्शन इज रनिंग आ रहा है ना, मैं काम करता हूँ इस पूरे कोड को डिले कर देता हूँ। इसको डिले करने के लिए एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, सेट टाइम आउट। वो हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा हमने, तो चलो अभी पढ़ लेते हैं। ये होता है सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर जो है ना आप क्या करते हो, मैंने कहा कि जी 3000 मिलीसेकंड के बाद इसको चलाना आप, ठीक है। सेट टाइम आउट का ये पार्ट और ये पार्ट, ये बॉयलर प्लेट है, ये हमेशा ऐसा ही होगा, और बीच में जो भी कोड आपने रन करना है वो बीच में हम लिख देते हैं। और ये पार्ट जो है ना इसका जो 3000 है, ये एक टाइम ड्यूरेशन है कि अच्छा जी 3000 मिलीसेकंड के बाद इसको चलाना है, ये मिलीसेकंड में ही लेता है हमेशा, ठीक है। तो मुझे पता है भाई 3 सेकंड का मतलब है 3000 मिलीसेकंड, तो मैंने 3 सेकंड के बाद का टाइम दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको जब मैं रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो 3 सेकंड बाद वो फंक्शन कॉल होगा और 3 सेकंड बाद ये कॉन्सोल आएगा, ठीक है। दोबारा दिखा रहा हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी नहीं आया कॉन्सोल, अब 3 सेकंड बाद आएगा। 3 सेकंड जैसे ही पूरा हुआ तो इसने बोला कि भाई एवरेज फंक्शन इज़ रनिंग। तो इससे हमने ये प्रूफ किया है कि जब तक ये कॉल सिग्नेचर नहीं लगता है जब तक वो फंक्शन नहीं चलता। अब ये मैंने अभी इसको डिले किया सेट टाइम आउट से, ये बटन के क्लिक पे भी इसको मैं चला सकता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक वो हमने देखा है लास्ट करके, जो गेट वेदर वाली ऐप बनाई थी हमने। तो ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये फंक्शन ये जस्ट एक ब्लू प्रिंट है, जस्ट एक प्लान है। जावास्क्रिप्ट इसको याद कर लेगा, इसको चलाएगा नहीं, जब मैं कॉल सिग्नेचर लगाऊंगा फिर इसको चलाएगा। इसी तरीके से ये वाला फंक्शन भी है, तो हम फंक्शन 10 12 15 जितने भी बनाएंगे उसको नाम से वो याद कर लेगा जस्ट, उसको वो चलाएगा नहीं जब तक मैं कॉल सिग्नेचर नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं उसको खुद से कॉल नहीं करूंगा उसको कॉल नहीं करेगा, ठीक है जी। और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल जो मैंने मिस कर दिया हो? अच्छा जी, अब हम आते हैं उस तरफ कि जी ये फंक्शन जो है ना, ये ES5 का फंक्शन है, ये ES6 का फंक्शन नहीं है। अब ES6 में क्या हुआ है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, थोड़ा सा ही चेंज है लेकिन चेंज भी अच्छा खासा है वो भी। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले अब कि इसमें ये जो पैरामीटर्स हैं क्या ये ज़रूरी है देना? इसका जवाब है नहीं, ये पैरामीटर ऑप्शनल है, ठीक है। बट जहाँ पे मुझे इन पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी वहाँ पे मुझे ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा। भाई मिसाल के तौर पे मुझे दो वेरिएबल को लेके प्लस करना है, तो जी दो वेरिएबल मुझे इनपुट में लेने पड़ेंगे, सही है, जब भी तो दोनों को प्लस करूँगा मैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि जी मुझे जस्ट जो है ना कि जी मैंने इसका नाम रख दिया लॉग, सही है, या इसका नाम रख दिया मैंने PRT, कोई भी नाम रख दिया मैंने इसका। अब मुझे ये फंक्शन चलाना है और ये फंक्शन चलने की सूरत में जो है ना मुझे क्या चाहिए, एक लाइन प्रिंट करवानी है समहाउ, या सिस्टम का टाइम, चलो सिस्टम का टाइम प्रिंट करवाते हैं ना इस पर, सही है। सिस्टम का टाइम प्रिंट करवाता हूँ मैं कैसे भाई, के जी न्यू डेट, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा सिस्टम का टाइम प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, मुझे रिटर्न वैल्यू भी कोई नहीं चाहिए, रिटर्न वैल्यू भी ऑप्शनल है, मैं चाहूँ तो रिटर्न वैल्यू हटा दूँ। अब देखो ये PRT का जो फंक्शन है ना, इसका कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है इसका, ये जब भी चलता है ये फंक्शन सिस्टम का टाइम प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके चला देता हूँ, बस PRT लिखूँगा मैं और कॉल सिग्नेचर लगा दूँगा, ये फंक्शन चल पड़ेगा। दो बार लगाऊँगा तो दो बार चलेगा, तीन बार लगाऊँगा तो तीन बार चलेगा, जितनी बार कॉल करूँगा उतनी बार कॉल होगा ये। तो मैंने दो बार कॉल कर दिया, तो अब देखो क्या होता है, रिफ्रेश किया मैंने, दो बार सिस्टम का टाइम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन में हमेशा जो एल्गोरिथम जो है वो क्या हो, इनपुट लेता हो। समटाइम हमारा इनपुट सिस्टम का टाइम होता है, तो वो फिर उसमें इनपुट हम यूज़र से नहीं लेते, यानी ऊपर पैरामीटर में नहीं ले रहे होते, हम बॉडी के अंदर ही सिस्टम का टाइम गेट करते हैं, उसका गोल मट्ठा पकाते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो जी पैरामीटर किसी फंक्शन में होना ऑप्शनल है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। रिटर्न का जो कीवर्ड, उसके साथ मैंने एक वैल्यू रिटर्न की हुई है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा, किसी फंक्शन में दोनों भी हो सकता है, किसी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, रिटर्न भी है। किसी में सिर्फ इनपुट भी हो सकता है, किसी में सिर्फ आउटपुट भी हो सकता है, किसी में दोनों भी नहीं हो सकता। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन इसके अंदर पॉसिबल है, जो आमतौर पर जावास्क्रिप्ट में हम कोडिंग कर रहे होते हैं उसमें ये तमाम पॉसिबिलिटी कसरत के साथ आती है, ठीक है। इक्वल इसकी प्रोबेबिलिटी के तमाम पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपके पास। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस PRT का जो फंक्शन है ना, एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा यहाँ पे बनाते हैं बटन, और इस बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, और इस बटन के मैं क्या कर देता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर
मैं क्या कह देता हूँ कि जी पी आर टी को आप चला दो, मैंने कहा पी आर टी और कॉल सिग्नेचर, ठीक है, तो अब इस बटन के क्लिक पे भी चलेगा ये एक दफ़ा, तो यहाँ पे मैंने चलो इसको चला दिया ना पी आर टी, एक बार यहाँ से मैंने चला दिया, अब मैं यहाँ से नहीं चला रहा, अब मैं बटन के क्लिक से चला रहा हूँ, आया जी, मैंने रिफ्रेश किया, देखो कुछ भी नहीं है, क्लिक मी पर क्लिक किया तो सिस्टम का टाइम आ गया, एक और क्लिक किया तो सिस्टम का टाइम, और जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ सिस्टम का टाइम आ रहा है, तो ये फंक्शन है जो क्लिक पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जी हमारे पास जो नई वाली स्क्रिप्ट है उसमें हम क्या करते हैं, टाइप मॉड्यूल लगाते हैं, टाइप मॉड्यूल लगाते ही मुझे प्रिंट मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब मैं टाइप मॉड्यूल लगा देता हूँ तो अंदर मौजूद तमाम वेरिएबल्स या फंक्शंस वो सब के सब प्राइवेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो है ना जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट क्लास वेरिएबल है, फर्स्ट क्लास सिटीजन है, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। वेल, अब मैं क्लिक मी करूँगा ना तो ये एरर दे रहा है, कह रहा है भाई ये तो अनकॉच रेफरेंस ही, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पी आर टी इज़ नॉट डिफाइंड है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसको पब्लिक बनाना है तो मैं वो विंडो डॉट वाला तरीका करूँगा कि जी विंडो डॉट पी आर टी इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। अभी भी ई एस फाइव ही है ये, मेरा कोड ई एस सिक्स है लेकिन फंक्शन ई एस फाइव वाला लिखा हुआ है, जो फंक्शन का सिंटेक्स है वो पुराना है। जैसा कि मैं टाइप मॉड्यूल जब लिख देता हूँ ना तो स्टिल मैं वार करके वेरिएबल बनाऊँ बन जाता है, तो ये मेरा अभी स्क्रिप्ट यहाँ से तो ई एस सिक्स हो गया ये, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज स्टिल ई एस फाइव, सही है। तो अब मैं इसको विंडो डॉट पी आर टी करूँगा तो फिर रिसेट हो जाएगा, फिर रिसेट, क्लिक मी किया मैंने चलना शुरू हो गया ये, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को मैं मैन्युअली भी चला सकता हूँ, जैसे ये यहाँ पे हम चला रहे हैं इस तरह, और किसी भी फंक्शन को उसके नाम के साथ मैं ऑन क्लिक पे भी चला सकता हूँ। ये बात सब लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और गौर से समझो, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन इज़ अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न। अब कौन मुझे ये बताएगा कि फर्स्ट क्लास सिटीज़न किस चीज़ को कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? अभी पता चल जाएगा ना कितने लोगों ने बुक पढ़ी है। डायरेक्ट चाइल्ड? नहीं नहीं, डायरेक्ट चाइल्ड का कोई चक्कर नहीं। हाँ भाई, कितने लोगों ने बुक पढ़ी है, हाथ खड़ा करके ज़रा बताओ। हाँ भाई, कितने लोगों ने बुक पढ़ी है, ये वाला चैप्टर जो फंक्शन वाला था, है कोई जिसने स्टडी किया हो ये चैप्टर? तो आपकी इतला ही क्लियर था कि बुक में ये बात है भी नहीं लिखी हुई। देखा कैसे चकमा दिया मैंने, झूठ नहीं बोल सकते क्लास में, सही है। हाँ नहीं, बुक में बहुत सारी चीज़ें, ये मॉड्यूल वाला भी बुक में जिक्र नहीं है, नई चीज़ें ना, नई डेवलपमेंट्स हैं, इन चीज़ों को बुक में आते थे 4-5 साल लगेंगे, जो प्रॉपर बुक्स लिखी जाती हैं बड़े लंबे अरसे बाद लिखी जाती हैं। अच्छा जी, फर्स्ट क्लास सिटीज़न जो है ना, चलो मैं बता देता हूँ, बाय द वे जो यूनिवर्सिटी वाले बंदे हैं उनको ये पता होना चाहिए था, चौथे सेमेस्टर जो क्रॉस कर चुके हैं, पाँचवा सेमेस्टर। अच्छा, तो फर्स्ट क्लास सिटीज़न जो है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल होता है वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जी फंक्शन भी जो है ना वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीज़न नहीं होता है, जैसा कि सी लैंग्वेज में फंक्शन इज़ नॉट अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न। अच्छा, तो क्या है भाई, तीन क्वालिटीज़ होंगी ना किसी भी चीज़ में, वैसे तो वेरिएबल फर्स्ट क्लास होता है लेकिन वो जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि तीन क्वालिटीज़ होंगी। नंबर एक, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता हो, जैसे नंबर को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग को करते हैं, एरे को करते हैं, ऑब्जेक्ट को करते हैं, तो ये सारे फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं। फंक्शन को भी मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, नंबर एक क्वालिटी ये हो गई। नंबर दो, अच्छा तीनों होना ज़रूरी है भाई, दबे उस चीज़ को मैं किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर सकूँ। नंबर को मैं फंक्शन में पास करता हूँ एज अ पैरामीटर, स्ट्रिंग को भी कर सकता हूँ, एरे को भी किया हमने अभी थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्ट को भी कर सकता हूँ मैं, तो फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर उसको पास किया जा सकता हो, ठीक है। तो
अब इतला के लिए अर्ज है आपके कि ये एक फंक्शन को ना एक दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर भी पास किया जा सकता है। अब वो कब ऐसी सिचुएशन आएगी वो भी आगे की कहानी है, ठीक है। तीसरी बात कि किसी फंक्शन में से उस चीज़ को एज अ वैल्यू रिटर्न किया जा सकता हो, जैसे नंबर हमने रिटर्न किया अभी एज अ वैल्यू, स्ट्रिंग को भी रिटर्न किया एज अ वैल्यू, ऑब्जेक्ट और एरे को भी कर सकते हैं। इसी तरह एक फंक्शन को किसी फंक्शन में से एज अ वैल्यू रिटर्न किया जा सकता है, ठीक है। तो फंक्शन इज़ अ फर्स्ट क्लास सिटीजन इन जावास्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री क्वालिटीज़। अच्छा, सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज में फंक्शन जो है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, ना किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं, ना किसी फंक्शन से एज अ वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। इवन दो सी लैंग्वेज में एरे भी नहीं पास कर सकते, फंक्शन के अंदर ना सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग ही जाते हैं, एरे आप नंबर उसमें नहीं डाल सकते, क्या कहते हैं फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर नहीं डाल सकते। तो वो एरे का रेफरेंस निकालते हैं, मेमोरी का एड्रेस वो डालते हैं, और फिर मेमोरी के एड्रेस में एक एक इंक्रीमेंट करके वो पूरा मेमोरी से रैम से डायरेक्ट रीड करता है, एरे को डायरेक्ट नहीं उसमें वो कर सकते, ठीक है। तो हाँ, तो वो थोड़ा ख़तरनाक मामला है वहाँ पर। अच्छा, बाय द वे जावास्क्रिप्ट भी ना ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी हुई है, ये सी लैंग्वेज पे बनी हुई लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें जो भी हम कार्रवाई कर रहे होते हैं वो पहले कन्वर्ट होती है सी लैंग्वेज में और फिर वो आगे की कहानी उसकी चलती है ना। तो ये विकिपीडिया के पेज पे आप देखेंगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज है। तो हमने क्या है बात देख ली कि अच्छा जी फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्लास सिटीज़न होता है। अब फर्स्ट क्लास सिटीज़न का मतलब ये है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जी लेट ए बी सी इक्वल्स टू फंक्शन, ये पूरा मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं ए बी सी पे कॉल सिग्नेचर लगाऊंगा तो भी यही चलेगा और एवरेज पे लगाऊंगा तो भी यही चलेगा, ये काम मैं कर सकता हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब ज़रा वापस एक नज़र बुक पे डाल लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बुक की हमने मिस कर दी है। अच्छा, इन्होंने यार देखो क्या किया है, एक अल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, एक फंक्शन बनाया ऑब्वियसली, इसमें कोई इनपुट नहीं है कोई आउटपुट नहीं है, जस्ट ये क्या करता है न्यू डेट उठाता है, गेट आवर गेट मिनट उठाता है और उसको ना एक ऐसे फॉर्मेट करके प्रिंट करके दिखा देता है ना। तो ये एक अल्गोरिथम इन्होंने बनाया हुआ है उसको, अब जब भी मैं टेल टाइम का बटन दबाऊंगा या टेल टाइम का फंक्शन कॉल करूंगा तो ये इतना कोड चल जाएगा कॉन्सोल के ऊपर जो है ना, वो अलर्ट में मुझे टाइम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जो भी टाइम होगा उस वक्त। अच्छा, अगला काम इन्होंने क्या किया हुआ भाई, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि जी फंक्शन का जो नाम है वो क्या होगा, वो लीगल वेरिएबल नेम होना चाहिए। फंक्शन के नाम में भी वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक वेरिएबल के नाम में होती है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि फंक्शन में जी डेटा कैसे पास होगा, यानी कि पैरामीटर लेने की बात की है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि जी भाई एक फंक्शन है ग्रीट यूज़र, अब उसमें लिखा हुआ था हेलो देयर। अब मैं चाहता हूँ जी हेलो के बाद ना बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा इनपुट ले लूँगा उसका, नीचे आया मैं, अब कह रहा है ग्रीट यूज़र करके ना, ये क्या किया है इसने, वेल यहाँ पे इसने ऐसे कर दिया कि जी ग्रीट यूज़र इनपुट ले लिया, जो भी चीज़ आती है उसको प्रिंट कर देता है। अब इसने यहाँ पे ना इस केस में तीन पैरामीटर लिए, एक लिया इसने m, एक लिया इसने स्ट्रिंग, एक लिया इसने नंबर, को तीन चीज़ें ली हैं, तीन चीज़ों को जोड़ के प्रिंट कर रहा है, तीन वेरिएबल लेता है तीनों को जोड़ के प्रिंट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ये देख ली है ऑलरेडी। अब ये s में इसने दिया है मार्च मंथ, उसके बाद एक स्ट्रिंग दिया है, उसके बाद 23 एक नंबर दिया, इन तीनों को जोड़ के इसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि काफ़ी बेसिक सी चीज़ें बुक में उन्होंने कवर की हुई हैं। अब ये इन्होंने बताया कि भाई वैल्यू रिटर्न कैसे होगी, इनपुट तो आ गया, वैल्यू रिटर्न कैसे होगी। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट टोटल करके इसने जो है ना कुछ अल्गोरिथम बनाया है और ये एक इनपुट लेता है मार्च का टोटल, ये लेता है इनपुट और उसके साथ कुछ खिचड़ी पकाता है और लास्ट में क्या करता है एक वैल्यू को रिटर्न करवा देता है, ठीक है। अब ये एक एल्गोरिथम है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसमें हो क्या रहा है, इस जगह पे ना इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ क्या हो रहा है।
तो वो 3% टैक्स निकाल रहा है और पता नहीं वो पिछले महीने का जोड़ रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, अब ये इस तरह कॉल होगा कि कैलकुलेट टोटल, एक नंबर पास किया और ये पूरी चीज़ जो है ज़ाहिर एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो उसको एक वेरिएबल में पकड़ लिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक बात मेंशन की है कि अच्छा जी, क्योंकि ये पार्ट इतना एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो मैं एक वेरिएबल, ये कोई और है प्लस, और यहाँ जो वैल्यू रिटर्न होगी वो दोनों को प्लस करके एक तीसरे वेरिएबल, तो ये भी कर सकता हूँ। जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि जी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है एक ही फंक्शन को मैं दो बार भी कॉल कर सकता हूँ, एक कैलकुलेट कॉल किया, एक वैल्यू उसमें दी, कॉमा डाल के पूरा फंक्शन दे दिया दूसरा। लेकिन ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन पहले चलेगा, इस फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये कॉल सिग्नेचर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो एक ये वैल्यू और दूसरी वैल्यू यहाँ से रिटर्न वैल्यू से रिटर्न हो जाएगी। तो इन्होंने ये ज़ाहिर है, आप ये पढ़ेंगे पैराग्राफ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बात लिखी हुई है। बहुत बेसिक बात है ये, लेकिन ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसने जो बात की है ना, लोकल वर्सेस ग्लोबल, ये ES5 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में कि ये लोकल ग्लोबल का क्या चक्कर है। अच्छा ठीक है, ये लोकल और ग्लोबल आ गया ना। अच्छा, लोकल और ग्लोबल से पहले ना एक चीज़ और समझ लो कि प्योरिटी ऑफ फंक्शन, व्हाट डज इट मीन बाय प्योर फंक्शन। अच्छा, प्योर फंक्शन रिसेंटली जो है ना जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत लोगों की ले रहा है, तो भाई बताओ प्योर। अच्छा, प्योर फंक्शन बाय द वे जनरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फंक्शन बाय द वे, फंक्शन का जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में से है। ये तकरीबन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका सिंटैक्स इसी तरह से है और ये इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो हमने अभी तक कवर किया है कि अच्छा जी इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट करता है, ये जनरल प्रोग्रामिंग का पार्ट है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पार्ट है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में ये मौजूद है। ठीक है, सी लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहलाती है, उसमें सिंटैक्स बिल्कुल सेम यही है, इसका लिखने का तरीका जो है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो इसी तरीके से प्योर फंक्शन भी जो है वो एक जनरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं है। तो जी, कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा इस बारे में, प्योर फंक्शन, यूनिवर्सिटी के लड़कों, एनीवन, गूगल भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, ये तो डिपेंड करता है ना। देखो, अभी AI के टूल्स आ गए हैं, तो अब कितना क्विकली आप उसको यूज़ करके आप जल्दी से आंसर कर सकते हो, या जल्दी से आप सही बात की है इसने। लेकिन कोई आप में से मज़ीद बेहतर तरीके से क्या इस बात को बता सकता है जो इसने बात की है, मज़ीद बेहतर तरीके से कोई इसको अगर बताना चाहे तो बता सकता है। अच्छा चलो, इन्होंने बाय द वे ये बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो टोटली अपने इनपुट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता हो, किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करता हो, उसको हम कहते हैं प्योर फंक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन था, दोबारा बना लेते हैं जी हम, फंक्शन सम, और ये क्या करता था, num1, num2 करता था ये। ठीक है, और इसकी जो रिटर्न वैल्यू थी num1 plus num2,
ठीक है। अच्छा पहले मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया था, बट ये आपको पता है ये भी सही है, नम वन प्लस नम टू जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा, तो एक ही लाइन में ख़त्म हो गया ये फंक्शन। अच्छा तो ये एक फंक्शन था। अब ये फंक्शन जो है ये टोटली अपने इनपुट पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। अच्छा नतीजा इसका क्या होगा? नतीजा इसका ये होगा कि जब ये टोटली अपने इनपुट पैरामीटर पर डिपेंडेंट होगा ना, तो मैं इसके इनपुट पैरामीटर को देखकर इसका आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये फंक्शन प्रिडिक्टेबल है और बहुत सारे दूसरे पर्सपेक्टिव में ये फंक्शन मतलब काफ़ी सही है, इसको हैंडल करना आसान होता है और टेस्टिंग वगैरह के लिए पर्पस के लिए भी आसानी के साथ ये काम हो जाते हैं सारे। वेल अच्छा तो अब इम्प्योरिटीज़ किसी भी फंक्शन में आती कैसे है ना, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर दैट मेक्स अ फंक्शन इम्प्योर? क्या ऐसा हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि अच्छा ये मिलावट मिलावट वो वाला तो नहीं, इम्प्योर हो गया। अच्छा अगर मैं इसमें ये कर दूं कि जी प्लस और साथ में लगा दूं कि जी न्यू डेट डॉट गेट टाइम, अब ये गेट टाइम क्या करता है, मिली सेकेंड में उठाता है सिस्टम का टाइम, और मैंने नम वन प्लस किया नम टू प्लस किया साथ में सिस्टम का टाइम प्लस कर दिया। अब दो पैरामीटर को देख के ना मैं इसका आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर बार अलग आएगा, ठीक है। अगर ये अपने टोटली अपने इनपुट पैरामीटर पर डिपेंडेंट होता तो मैं जितनी बार भी इस फंक्शन को रन करूँगा सेम पैरामीटर के साथ ये सेम रिजल्ट देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा या मिसाल के तौर पर इसके दरमियान में मैं गेट टाइम को हटा के गेट आवर कर देता हूँ। अब गेट आवर करने की वजह से क्या होगा कि वो मुझे 0 से लेकर 23 तक का एक नंबर देगा। अच्छा अब मैं इसको सेम पैरामीटर के साथ जब कॉल करूँगा ना चार दफ़ा, तो ये सेम रिजल्ट देगा चारों दफ़ा, ठीक है। लेकिन अगले घंटे में ये चेंज कर देगा उसको, तो ये स्टिल इम्प्योर है। ये स्टिल अगर वो 24 घंटे या 6 दिन या पूरे साल बाद भी चेंज करता है ना, अगर मैं यहाँ पे अगर लगा दूँ गेट फुल ईयर, गेट फुल ईयर, तो ये जब तक 2023 रहेगा ना जब तक ये सेम रिजल्ट देगा। मैंने एक पैरामीटर दिया 2.3, तो अब ये 2023 जब तक है जब तक सेम देगा, जो भी देगा सेम देगा, लेकिन जैसे ही 2024 होगा ये चेंज कर देगा उसको, ठीक है। तो ये स्टिल इम्प्योर फंक्शन है। तो इम्प्योरिटीज से हाँ स्ट्रिंग अगर कोई लिटरल है यहाँ पे लगा हुआ तो वो तो उससे इम्प्योरिटी नहीं आएगी, इम्प्योरिटी उस चीज़ से जो चेंज होता है। या तो यहाँ पे कोई ऐसा मैंने वेरिएबल रख दिया जो कहीं API कॉल से उठकर आता हो, जैसे हमने वेदर की API कॉल की थी, अब मैंने इस फंक्शन के अंदर एक API कॉल की और उस API कॉल से एक नंबर आया और उसको मैंने प्लस करवा दिया, तो वो नंबर भी कभी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो इंटरनेट की कॉल्स API कॉल वगैरह या कहीं डेटाबेस से वैल्यू उठ के आती है उसको मैं कोई प्लस प्लस करता हूँ फंक्शन के दरमियान में, तो ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ ले आती हैं एक फंक्शन के अंदर। तो कहीं पे सर्टन सिनेरियोज़ होते हैं कुछ जहाँ पे आपको बोला जाता है कि जी आपने इस फंक्शन को ना प्योर रखना है, आपने इस फंक्शन को प्योर रखना है, तो वो अब वो सर्टन सिनेरियो कौन सा है वो हम देखेंगे, वो जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो ये वाली चीज़ उसमें आ जाएगी कि जी हमारा जो रिएक्ट के अंदर सर्टन हुक्स होते हैं उसमें आपको जो फंक्शन प्योर रखना होता है, अगर उसमें इम्प्योरिटी ऐड होगी मस्ती करेगा फिर, ठीक है, बिला वजह वो मतलब ऐसी चीज़ें करेगा जो अनप्रेडिक्टेबल होंगी आपके लिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी ये प्योर फंक्शन यहाँ पे चाहिए होता है, तो अगर किसी को प्योर फंक्शन पता है तो उसको पता होगा ना, अगर पता ही नहीं होगा तो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है। अच्छा तो इसको मैंने हटा दिया और ये परफेक्टली प्योर फंक्शन ये मेरा तैयार हो गया। अच्छा जी तो यहाँ तक हमने जो जितना भी फंक्शन पढ़ा है ना ये सारा हमने ES5 वाला पढ़ा है। ES6 में मोस्टली ये टॉपिक जो है वो सेम है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं और वो अच्छी खासी चेंजेस हैं वो भी, तो वो हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा तो हमने ये इस फंक्शन की प्राइवेसी को मज़ीद डिस्कस करना है और ES6 के अंदर जो इसका नया सिंटैक्स मुतारफ़ कराया गया है, ज़ाहिर है फंक्शन तो वही है सिंटैक्स चेंज हुआ है, ES6 के अंदर जितनी भी चीज़ें चेंज हुई हैं उसमें से मोस्टली सिंटैटिक शुगर है। सिंटैटिक शुगर ये होता है कि अच्छा जी सिंटैक्स में ऐसी चेंजेस किए जाएँ कि डेवलपर को कोडिंग लिखने में और रिव्यू करने वाले को कोड पढ़ने में मज़ा आए, आसानी हो, ठीक है। अंडर द हुड उसके मोस्टली वो काम जो हो रहा था वो सेम हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चेंजेस होती हैं उसको हम कहते हैं सिंटैटिक शुगर, कि जी थोड़ी सी चीनी डाल दी मीठा कर दिया दैट्स इट, अंदर सब कुछ वही चल रहा होता है। तो ES6 का जो फंक्शन है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक वो सिंटैटिक शुगर ही है, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वो सिंटैक्स हमें सीखना पड़ेगा। तो वो नया वाला सिंटैक्स ES6 का और साथ में इस फंक्शन की जो प्राइवेसी है कि जी अच्छा लोकल और ग्लोबल जो बुक में जिक्र है, तो वो प्राइवेसी को हमने मज़ीद डिस्कस करना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।